बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप? आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी। इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। एक पाव मैंने आलू लिए हैं, इन्हें छोटा छोटा क्यूब्स के शक्ल में कट कर लिया है और इसे अच्छे से धो लिया है। एक पाव गोभी लिए है और इसे इस तरह से चंक्स में रखा है, थोड़ा बड़ा, छोटा नहीं कीजिएगा वरना मैशी हो जाते हैं, इसी साइज़ का रखिएगा। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, इसे बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है, इसे भी छोटा कट कर लिया है। चार अदद हरी मिर्ची ली, लाल हो गई हैं और इसे छोटा छोटा कट कर लीजिएगा। दो टेबल स्पून हरा धनिया लिया है, थोड़ा सा। एक टेबल स्पून कुटी मिर्च, एक टी स्पून पिसा धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून पिसा गरम मसाला, एक टी स्पून सॉरी हाफ टी स्पून नमक, एक टी स्पून कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून ज़ीरा, एक तेज़पात, हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक सर्विंग स्पून ऑयल। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, ऑयल शामिल करेंगे इसमें, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें प्याज शामिल करेंगे और इसको लाइट पिंक फ्राई कर लेंगे, गोल्डन नहीं करना है हमें। तो देखिए ये लाइट पिंक फ्राई हो चुकी है। अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे, कम टमाटर को भी हल्का सा हम भून लेंगे जब तक कि नरम ना हो जाए। तो देखिए टमाटर भी नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें तमाम मसाले शामिल कर देंगे। हल्का सा पानी शामिल कर देंगे और इसकी मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो देखिए मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें ये आलू शामिल करेंगे, मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छे से भून लेंगे मसाले के साथ। तो देखिए भुन चुका है। अब ये गोभी भी शामिल कर देंगे हम इसमें, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें। गोभी के बड़े बड़े पीसेस रखिएगा जितने आपको नज़र आ रहे हैं। अब तकरीबन आधा गिलास जितना पानी शामिल कर देंगे, पानी ज़्यादा शामिल करना है, गोभी और आलू अपना पानी खुद रिलीज़ करेंगे। अब कवर करके इसको दरमियानी आंच पर 20 मिनट के लिए पकने देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे खोल कर देखेंगे। तो देखिए हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई है, ये देख सकते हैं आप। पानी भी इसका ड्राई हो चुका है, अगर इसमें पानी हो तो मज़ीद आँच तेज़ करके इसका पानी खुश कर लें। अब इसमें ये मिर्चें शामिल कर देंगे, हरा धनिया शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये रेडी हो चुकी है, फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देख सकते हैं, ये देखिए रेडी हो गई है। अब मैं इसे सर्व करके दिखाता हूँ आपको। तो लीजिए हमारी गर्मा गर्म मज़ेदार सी चटपटी आलू गोभी बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में भी बहुत मज़ेदार है। तो आप इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ, पराठों के साथ और सादे ज़ीरा राइस के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। यह हर तरह से मज़ेदार बनती है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।